जो कि हम नेपाल में हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, जिनका नाम है रशियंस। तो वो हमारे पास 3 हैं और वो हम आज आपको उनका इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कुछ मेरी मम्मा बताएंगी और कुछ मैं आपको बताऊंगी और हम इसी दौरान अपने सारे एनिमल्स भी आपको दिखा देंगे कि वो कैसे हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं लैब्राडोर्स। हमारे पास वाइट भी लैब्राडोर्स हैं पर अभी हम लोगों ने ब्लैक लैब्राडोर रखे हैं। ये एक गर्ल है और एक बॉय है इनमें से, और वो उसकी बेबी है। ठीक है, रशियन सेमेनाइड है ये। हम इन तीनों को एक साथ खोलते तो बहुत शैतानियां करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं और मूवी बनाने में डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हमने इनको अभी केज में किया हुआ है। और ये जो है ये इसकी बेबी है, इन दोनों की वो जो है हमारा पेयर है और ये बेबी है। और ये बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही मिनी साइज़ में है ये। इसका साइज़ जो है 0 साइज़ कहलाता है, रशियन सेमेनाइड। ये रशिया की बहुत ही पुरानी ब्रीडों में से एक ब्रीड है, जो कि सेमेनाइड के ट्राइब्स हुआ करते थे रशिया में। वो इसको पालते थे अपने हर्ड्स के लिए और अपने छोटे छोटे कामों को कराने के लिए, क्योंकि इनके जो फर होता है ये सर्दी बर्दाश्त कर सकता है और रशिया में बहुत सख्त सर्दी और बर्फबारी होती है, और ये ब्रीड उसी एटमॉस्फेयर में बहुत आराम से सर्वाइव करती है। सेमेनाइड जो एक कबीला हुआ करता था वहाँ पे ये बहुत शौक से पाले जाते थे और वहीं से ये नस्ल जो है पूरी दुनिया में फैली है। ये अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो ये बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है, फ्रेंडली है, इजी टू हैंडल है, इजी टू केयर है। इसका पालने का मकसद लोगों का ये होता है कि एज अ टॉय ब्रीड और एज अ अगर किसी को डॉग, कोई डॉग लवर है, वो बड़ा डॉग नहीं रख सकता किसी वजह से, जगह की कमी की वजह से या बच्चों की वजह से, तो वो इस डॉग को बहुत शौक से पालते हैं। रशियन सेमेनाइड को पालने वाले खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो डॉग है ये फ्रेंडली है, ईजी टू केयर है, इसकी केयर बहुत आराम से की जा सकती है। लेकिन इसके साथ एक बात ये है कि इसे ठंडे जगह पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है और सर्वाइव करता है, ख़ास तौर पर जैसे हमारे एशिया की गर्मी है, एशियन ममालिक की, उसके हिसाब से, क्योंकि ये अब यहाँ पे भी बहुत आम है पाकिस्तान में भी, तो ये गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं अगर ये यहीं पर ब्रीड कराए जाएं। ठीक है जी, और ये खाने में भी बहुत थोड़ा सा खाते हैं, 2 वक्त इनको खाना दिया जाता है, चिकन विद राइस या डॉग फूड। ठीक है, इसके साथ साथ इनको जो है मेडिकेशन कराई जाती है इनकी, ताकि ये बीमार ना हो। इनके इंजेक्शन लगते हैं, इनको रेबीज़ का इंजेक्शन और इनको हेल्थ का इंजेक्शन, और इसके अलावा इनको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि ये हेल्दी रहें और काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकें। 12 to 14 ईयर्स डॉग की एज होती है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क की एटमॉस्फेयर इतनी अच्छी नहीं है तो हमारे मुल्क में ये 10 साल, 8 साल, मैक्सिमम 12 साल तक भी जी लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ की एटमॉस्फेयर इनको इतनी क्लीन नहीं मिलती, किसी भी डॉग को, यही डॉग नहीं और भी आप डॉग की कोई ब्रीड रखें तो उनको भी आपको अच्छी एटमॉस्फेयर देनी पड़ती है, उनके मिजाज को समझना पड़ता है। इस वक्त ये डॉग बहुत खुश है क्योंकि इसकी जो टेल हिल रही है या विगल कर रही है, इसका मतलब है कि ये खेलने के मूड में है और ये आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। असल में ये फीमेल है और ये चाह रही है कि इसको खोल दिया जाए और इसके साथ खेला जाए। मेरी चिक्स साथ बहुत प्यार से खेलती है, इससे बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है और अभी भी ये मेरी चिक को बुला रही है। हमने इसको इसलिए भी बांधा हुआ है कि ये इधर उधर भागेगी और आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी। अभी हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसकी शरारतें कैसी हैं। अब ये इसी तरह खुली रहती है घर में, तीनों को हम खोल देते हैं और ये आपस में खेलते भी रहते हैं और बच्चे इनसे इंजॉय करते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये बहुत ही मिनीचर साइज़ है, बहुत छोटी है ये आम रशियन से, अगर आप दूसरे रशियंस को इससे कंपेयर करें तो ये साइज़ 0 साइज़ कहलाता है। और ये इसी तरह जो है घूमती फिरती रहती है घर में, खेलती है। अब हमने आपको अपने मिक्की से मिलाया और
मम्मा पापा कैसे लगे आपको? तो अब हम जाते हैं गोट सेक्शन से और आपको दिखाते हैं कि हमारे बकरे भी कैसे हैं। ये देखिए मेरे गोट। हमने आपको पहले भी डग सेक्शन अपना दिखाया और ये डग्स भी मैरिश की बहुत ही फेवरेट हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था। और इसमें से हमने कुछ हैम्स भेज दी हैं और कुछ एक ही रह गई है हमारे पास और बाकी डग्स हमारे पास सारी हैं। ये मैरिश का शेरू है और वो अंदर दो बहादुर मिल्की हैं जो कि वो भी गर्ल एंड बॉय हैं और ये भी बॉय हैं और ये सारी डग्स हैं। इनको भी हम लोग टहलाने लेके जाते हैं, मैरिश लेके जाती है, इनको काफ़ी देर तक वॉक कराई जाती है। उसके बाद ये इनका घर है जिसमें ये सेफ रहते हैं गर्मी धूप से, छांव और किसी भी गर्मी के असरात से। यहाँ इसको इनको ठंडक में रखा जाता है और इस तरीके से ये डग्स जो हैं इनकी भी बहुत केयर करनी पड़ती है, इनकी भी मेडिकेशन होती है, इनको भी देखना पड़ता है कि ये बीमार ना हो। जी मैरी आप बताइए। अब हमने वीडियो का एंड कर दिया तो क्या हमारे ने आपको सारे डॉग दिखा दिए, लेबर डॉग दिखा दिए, रशियन दिखा दी, अपने गोट दिखा दी और अपने डग दिखा दिए और हमारे पास एक ही हैंड बची तो क्या हमने सारी हैंड्स भेज दी हैं तो और इसको भी हम बेचने वाले हैं तो किसकी एक जो टांग है वो फिर से ख़राब सी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।